सामाजिक सुधार पर अग्रणी, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की प्रतिबद्धता में अटूट रहने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले आज भी लोगों के बीच उतने ही सम्माननीय हैं जितने सम्माननीय वो अंग्रेजों के शासनकाल में थे। भारतीय संस्कृति के संवाहक रहे ज्योतिबा फुले ने अपनी पूरी जिंदगी मानव सेवा में समर्पित कर दी थी। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा नमन। महान दलित चिंतक महात्मा ज्योतिबा फुले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ। पुणे में फूलों के गजरे का काम करने के चलते लोग उन्हें फुले के नाम से भी पुकारने लगे। महज 9 वर्ष की उम्र में उनकी माँ चिमड़ाबाई का निधन हो गया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल से पूरी की। इस दौरान 12 साल की आयु में उनका विवाह सावित्रीबाई फुले से हो गया। ज्योतिबा फुले समाज सुधारक के साथ 19वीं सदी के महान विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी रहे। लेखक के तौर पर उनकी रचनाएं तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत और गुलामगिरी आज भी लेखकों में काफी पसंद की जाती है। 1873 में प्रकाशित एक पुस्तक आज भी समाज में हो रहे भेदभाव पर खरी उतरती है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल ने मुंबई में उन्हें ये पुस्तक भेंट में दी, जिससे वे काफी प्रभावित दिखे और भारत से अनमोल भेंट कहकर स्वीकार किया। विधवा कल्याण और दलित शिक्षा के साथ ज्योतिबा ने महिलाओं की दशा सुधारने और शिक्षा के लिए 1848 में एक स्कूल भी खोला, जो महिला शिक्षा के लिए खोला गया देश का पहला स्कूल था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने बचपन से ही अपना सब कुछ दलितों और महिलाओं के जीवन में सुधार में समर्पित कर दिया। इसके लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की, जिसकी प्रमुख अपनी पत्नी को बनाया। बताते हैं कि 1848 में वे जब एक मित्र की शादी में गए थे, उस वक्त उनको अपमान सहन करना पड़ा, जिससे वे काफी दुखी हुए। बताते हैं कि दलित शब्द का पहली बार प्रयोग भी ज्योतिबा ने ही किया। समाज सेवा के कारण 1888 में मुंबई में विशाल आम सभा में ज्योतिबा को महात्मा की उपाधि दी गई। बाल विवाह के विरोधी, विधवा विवाह के पक्षधर रहे ज्योतिबा ने विवाह संस्कार के दौरान पंडितों की जरूरत को भी खत्म करने पर जोर दिया, जिसे बाद में महाराष्ट्र हाईकोर्ट से मान्यता भी मिली। ऐसे में समाज सुधारक को कई वर्गों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। देश का कानून बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनसे काफी प्रभावित दिखे। लंबे समय तक लोगों को सेवाएं देने वाले ज्योतिबा महज 63 साल की उम्र में 28 नवंबर 1990 को सभी को अलविदा कहकर चल बसे। ज्योतिबा फुले के उस दौरान कहे गए शब्द आज भी प्रासंगिक है। ये भी तब जब दलित समाज के हितों की बात करने वाले कुछ तथा कथित चिंतक अपने स्वार्थ के लिए देश को सामाजिक टकराव की आग में झोंकना चाहते हैं। उनके ही प्रयासों से देश में कृषि एक्ट लागू किया गया था। ऐसे महान विचारक और समाज सुधारक को हमारा शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिवन टीवी, जयपुर।